हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुछ नया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पार्ट टू। पहले पार्ट में मैंने बोर्ड मास का रूल बताया था, इसके बारे में बताया था कि बोर्ड मास रूल क्या है। बी से हमारा ब्रैकेट, ओ से ओ, डी से डिविजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसके साथ साथ ये बताया कि कौन सा ब्रैकेट पहले लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा। आज हम फिर सरलीकरण के सवाल करेंगे। आज हम कुछ अलग सवाल करेंगे जिनमें अंश और हर दोनों में सरलीकरण होता है। मैंने अगली वीडियो में वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो सीटेट, यूपीटेट, एसएससी, दिल्ली पुलिस इस तरह के कंपटीशन में आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए। इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपका सारा कंफ्यूजन सरलीकरण के बारे में आज दूर हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक जमा दो भाग मझला ब्रैकेट, एक जमा दो भाग फिर छोटा ब्रैकेट, एक जमा एक बटे तीन छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद मझला ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आया है। इसमें भी हमें बोर्ड मास का रूल लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट पे ध्यान देते हैं। ब्रैकेट देखिए, इसमें एक ब्रैकेट ये है, एक ये है, इसलिए सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। एक जमा दो भाग मझला ब्रैकेट, एक जमा दो भाग, इसे सोल्व करेंगे। एक जमा एक बटे तीन को क्या करेंगे, एक नीचे लघुत्तम लिया, इसके नीचे एक ले लिया हमने, एक और तीन का लघुत्तम आ गया तीन। जब लघुत्तम हल करते हैं तो हम जो हर होता है उससे भाग करते हैं, एक से तीन को भाग किया तीन आ गया, और फिर जो तीन आया उसकी एक में ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं, तीन आ गया तीन। इसी तरह से तीन से तीन को भाग कर एक आ गया, और एक की तीन में गुणा करी एक आ गया, एक की एक में गुणा करी एक आ गया, ये आ गया हमारा चार बटे तीन, ये आ गया हमारा चार बटे तीन। इसकी जगह हम चार बटे तीन लिख देंगे और ब्रैकेट को हम खत्म कर देंगे छोटे ब्रैकेट को। अब एक जमा दो भाग, इसमें फिर बोर्ड मास का रूल लगेगा क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट तो नहीं, ब्रैकेट के अंदर भी हमारा बोर्ड मास का रूल लग रहा है। पहले हम इसे सोल्व करेंगे क्योंकि पहले डिवीजन आता है एडिशन से पहले, तो डी सोल्व करेंगे। ये कैसे करेंगे सोल्व, एक जमा दो भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज कर देंगे और ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि तीन ऊपर पहुंच जाएगा चार नीचे, तीन अपॉन चार। उसके बाद दो एकम दो, दो दूनी चार ही कट गया, ये आ गया हमारा एक जमा दो भाग एक जमा तीन बटी दो। अब इसे हल करेंगे क्योंकि अभी ब्रैकेट हमारे पास है, इसे बाद में करेंगे, पहले इसे करेंगे। एक जमा दो भाग कैसे हल करेंगे, दो लघुत्तम लिया, दो एकम दो जमा तीन, ये हो गया हमारा पांच बटे दो। क्या हो गया हमारा पांच बटे दो, ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। उसके बाद फिर इन दोनों को हल करेंगे क्योंकि डिवीजन हमारा एडिशन से पहले आता है। एक जमा दो भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज कर देंगे और इन्हें उल्टे कर देंगे, दो बटे पांच, ये आ गया हमारा एक जमा कट तो रहा नहीं चार बटे पांच। क्या करेंगे, पांच हमने लघुत्तम लिया, पांच जमा चार यानी कि ये आ गया हमारा नौ बटे चार, ये हमारा क्या आया, ये इसका उत्तर आ गया। लेकिन ये उत्तर जो हमारा अनुचित भिन्न में है, इम्प्रोपर फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको हम प्रोपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चार से नौ को भाग किया, चार दुनी आठ, बच गया हमारा नहीं पांच है ना हमारा ये नौ बटे पांच, पांच से नौ को भाग किया, पांच ही कम पांच, कितना बचा चार। जो ये आया भाग पल आया उसे तो हम यहां लिख देंगे, जो शेष पल आया वो हम ऊपर लिख देंगे, और जो जिससे हम भाग कर रहे थे उसे हम नीचे लिख देंगे। इसका उत्तर आ गया एक सही चार बटे पांच, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें अंश में भी सरलीकरण का रूल लगना है हमारा बोर्ड मास का, और हर में भी बोर्ड मास का रूल लगेगा। एक क्वेश्चन है हमारा सात बटे दो भाग
पांच बटे दो का तीन बटे दो अपॉन, दूसरा क्वेश्चन हमारा सात बटे दो भाग पांच बटे दो का तीन बटे दो भाग 5.25। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों ऊपर और नीचे एक से हैं, इस क्वेश्चन में एक फर्क है, इसमें यहां पर एक ब्रैकेट लगा दिया, क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऊपर भी सेम डिजिट है सात बटे दो, ये भी है, भाग का निशान यहां भी है, पांच बटे दो यहां भी है, का यहां भी है, यहां भी है, तीन बटे दो यहां भी है, यहां भी है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन फर्क क्या कर दिया, यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए जब हम अंश को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में पहले ब्रैकेट आता है, और इसी तरह अगर हम हर को हल करें, हर में ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद पहले हमें इसमें इसे हल करना पड़ेगा, इसे बाद में देखेंगे, पहले इन्हें हल करेंगे, ब्रैकेट लगने से इसमें ये हल करना है और इसमें हमें ये हल करना है, कैसे करेंगे, पहले इसे हल करेंगे, सात बटे दो भाग को गुना में चेंज करेंगे, दो बटे पांच ब्रैकेट में का तीन बटे दो बटे सात बटे दो भाग, ये का निशान है इसलिए इनके बीच में गुणा कर देंगे, पांच दिया पंद्रह और दो दूनी चार, पंद्रह बटे चार। नेक्स्ट लाइन में इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दो से दो कट गया, ये हो गया सात बटे पांच, सात बटे पांच गुना तीन बटे दो बटे, इसमें ये लिख लेना 5.25 बटे सात बटे दो, और ये क्या हो जाएगा, ये भी गुणा में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चार बटे पंद्रह, उल्टा हो जाएगा ये, भाग 5.25 को भी चेंज कर लेते हैं, 5.25 यानी इसके दशमलव हटा देते हैं हम, इसे हमने ये हटाया, ये दशमलव के नीचे एक लिखा और उसके आगे दो डिजिट थी हमने तो लिख दिया 100, ये हो गया हमारा। अब क्या काम करेंगे, 7 21 बटे 10 बटे 7 चौकट, इसे काट लेंगे, 7 दूनी 14 बटे 15 भाग, इन्हें काटना चाहो यही काट सकते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 बच गया 2, 25 एकम 25 21 बटे 4, 21 बटे 4। उसके बाद पहले हम इसे हल कर लेते हैं, इसे बाद में हल करेंगे क्योंकि हमारा शुरू में है, बिंद में है, 21 बटे 4 21 बटे 10 गुणा ये भाग में है, जब ये भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 15 ऊपर पहुंच जाएगा, 14 नीचे, 15 बटे 14, और इसे भी साथ साथ ही हल कर देंगे, इसे में भाग की जगह हम गुणा का निशान लगा देंगे और इसे 4 ऊपर 21 नीचे हो जाएगा हमारा, ये आ गया। अब देखते हैं 21 से हमारा 21 कट गया, क्या बचा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 2 से कट जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 2 सत्ते 14, ये आ गया हमारा 3/7, 3/7 हमारा इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम अंश और हर को हल कर सकते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट की वजह से इतना फर्क पड़ गया, पहले इसे हल करना पड़ा हमें और इधर का था इसे हल किया, इस तरह से हल कर लेंगे, और ये जो है भाग को जब भी हम गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम 5-6 क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे, इसके बाद हमें शायद एक वीडियो और बनानी पड़ेगी सरलीकरण की, उसके बाद आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 लेते हैं, 2/3 गुना 3 5/6 भाग 2/3 का 1/4, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो आपकी मिश्र भिन्न है इसको हमें वैसे में चेंज करना है, 2/3 गुणा यहां भाग का निशान 3/5/6
भाग दो बटे तीन, का की जगह हम गुणा का निशान लगा देंगे या अभी का ही लिखेंगे, का अगर गुणा का निशान लगा दे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हम इसे हल कर देंगे, इसलिए अभी का ही लिखेंगे हम, का चार एकम चार, रे पांच, पांच बटे चार। ये हो गया, सबसे पहले हमें क्या हल करना है, इसे हल करना है और इसमें भी इसे हल करना है सबसे पहले, क्योंकि इसमें बोर्ड मास का अगर हम रूल लगाएं तो पहले कास फल का होता है इससे पहले। दो बटे तीन गुना बाकी को हम ऐसे लिखते रहेंगे, तीन पांच बटे छह भाग दो पंजे दस, या दो से चार कट जाएगा, दो दूनी चार, पांच बटे छह, पांच बटे छह। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं, दो बटे तीन गुना ऊपर तीन, पांच बटे छह भाग को गुना में चेंज करेंगे और ये उल्टे हो जाएंगे, छह बटे पांच ये आपस में कट गए, तो क्या आ गया हमारा, दो बटे तीन गुना तीन, तीन से हमारा तीन कट जाएगा, उत्तर आ गया हमारा दो। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार ले लेते हैं, एक बटे पांच भाग एक बटे पांच का एक बटे पांच बटे, ध्यान रखना है बटे यहां लग रहा है, एक बटे पांच का एक बटे पांच भाग एक बटे पांच। क्वेश्चन देखने में अजीब सा है लेकिन हम इसे आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, बोर्ड मास के रूल में भाग दे रखा है, का दे रखा है, सबसे पहले क्या आता है का, यानी कि पहले हमें ये हल करना है ऊपर और नीचे हमें ये हल करना है, ये देखना है। वैसे तो हमें एक सा लग रहा है, हम इसे काट सकते हैं, एक आ जाएगा उत्तर, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। ऊपर आप इसे हल करेंगे, एक बटे पांच भाग एक बटे पांच का एक बटे पांच, ऊपर की एक एक गुणा करें, एक बटे पांच पंजे पच्चीस, ऊपर तो ये आ गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, एक बटे पच्चीस भाग एक बटे पांच। कैसे करेंगे, ऊपर वाले को एक बटे पांच भाग को हमने गुणा में चेंज किया, पच्चीस बटे एक, नीचे वाले को एक बटे पच्चीस भाग को हमने गुणा में चेंज किया, पांच बटे एक, ये हमारा हो गया, पांच पंजे पच्चीस और पांच पंजे पच्चीस, यानी कि ऊपर तो हमारा आ गया पांच, पांच एकम पांच बटे बटे एक बटे पांच, ये आ गया हमारा। अब जो है हम भाग को गुणा में चेंज करेंगे, पांच बटे एक गुणा में चेंज किया, ये उल्टा हो जाएगा पांच बटे एक, यानी कि पच्चीस बटे एक, यानी कि उत्तर हमारा आ गया पच्चीस। इस तरह से हम बोर्ड मास का रूल लगाकर क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच लेते हैं, 571 जमा 384 का वर्ग माइनस 571 नफी 384 का वर्ग बटे 571 गुणा 384, ये आपका क्वेश्चन है। इसके लिए आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने एक वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला हमारा होता है a जमा b का वर्ग नफी a नफी b का वर्ग बराबर होता है हमारा दो, a की घात दो जमा b की घात दो, दो a की घात दो जमा b की घात दो। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, दो a की घात दो जमा b की घात दो ब्रैकेट में, और एक इसी तरह का एक फॉर्मूला और होता है हमारा a जमा b का वर्ग
और अग्र इनके बीच में जमा का निशान हो, ए नफी बी का वर्ग बराबर होता है 4ab। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे। वैसे तो मैंने बहुत बताए थे, ए जमा बी का वर्ग बराबर इसका वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। इसी तरह से ये दो फॉर्मूले भी मैंने एक दिन बताए थे अपनी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो इन दो फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ए का वर्ग ए जमा बी का वर्ग नफी ए नफी बी का वर्ग बराबर 2 ब्रैकेट में ए का वर्ग जमा बी का वर्ग। अब देखिए ध्यान से, ये 571 है, अगर इसे हम ए माने और इसे बी माने, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ऊपरली लाइन में है हमारा ए जमा बी का वर्ग। अगर 571 को 571 तो हमने मान लिया ए और 384 हमने मान लिया बी, तो ऊपरली लाइन में ए जमा बी का वर्ग नफी ए नफी बी का वर्ग बटे ए बी, ए का वर्ग नफी बी का वर्ग बटे ए बी, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग, ये तो जमा का निशान है और ये हमारा नफी का निशान है, यानी कि हमारी सर्व समीकरण इसमें पहली सर्व समीकरण ए का वर्ग जमा बी का वर्ग ए जमा बी का वर्ग जमा, अगर यहां जमा का निशान है बाकी सब चेंज नहीं है, तो यहां फॉर्मूला आएगा हमारा 2a^2 जमा b^2। और अगर यहां पर a का a जमा b का वर्ग नफी का निशान है यहां पर, तो यहां पर आएगा हमारा 4ab। अब देखिए इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, a जमा b का वर्ग नफी a नफी b का वर्ग, यानी कि हमारी सर्व समीकरण लग रही है ये, यानी इन दोनों की जगह हम 4ab लिख सकते हैं। तो हम अगली लाइन में क्या लिख देते हैं, 4ab बटे ab, ab नीचे है, उत्तर क्या आ गया हमारा 4। ना हमें कोई गुणा करनी पड़ी, ना कोई भाग करना पड़ा, उत्तर हमारा फॉर्मूला अगर हमारा याद है तो इसका उत्तर 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ये फॉर्मूले आप पक्का रख लेना, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग दिमाग में कर लेंगे, आपको ब्लैक बोर्ड पे कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठा, 658 जमा 273 का वर्ग जमा 658 नफी 273 का वर्ग बटे 658 गुना 658 जमा 273 गुना 273। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर हम 658 को ए मान लें, 658 को हमने मान लिया ए, 273 को हमने मान लिया बी, तो ऊपर क्या है हमारा ए जमा बी का वर्ग, ए जमा बी का वर्ग, ए जमा का निशान है, ए नफी बी का वर्ग बटे जो क्या है हमारा ए का वर्ग जमा बी का वर्ग, हमारा ये आ गया। अगर 658 को हमने ए माना, 273 को बी माना, अब ये फॉर्मूला हमारे याद है, ए जमा बी का वर्ग जमा ए नफी बी का वर्ग, यहाँ जमा का निशान है, पिछले फॉर्मूले में नफी का निशान था, तो नफी का निशान है तो 4ab, और अगर जमा का निशान है 2 ब्रैकेट में ए का वर्ग जमा बी का वर्ग बटे ए का वर्ग जमा बी का वर्ग, नीचे दे रखा है, ये इससे कट गया, उत्तर आ गया हमारा 2, यानी कि बिना कोई गुणा करे हमारा उत्तर 2 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो के नीचे, जो मेरी वीडियो है उसके नीचे यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा,
आप उसे दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो वो रेड नहीं होगा, व्हाइट होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर आपने नहीं किया तो एक बार इसे दबाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल का आइकन बजाकर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।